हम लोग देख सकते हैं कि आज तक जो और अभी तक जो रणनीति आई है और अब तक जो पता चला है तो यही लग रहा है कि कांग्रेस जो है वो 3 राज्यों में चुनाव जीत गई है। तो अभी जो बुट्टीबोरी वासियों में है और जो कांग्रेस के प्रवक्ता है बुट्टीबोरी में, वो लोग फटाखे फोड़ के अपना जोश व्यक्त कर रहे हैं। तो अभी जो 3 राज्यों में इतनी बड़ी विजय हासिल की है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो 3 राज्य में कांग्रेस ने जो राहुल जी के नेतृत्व में चुनाव जीता है, तो ये उस जो परेशान किसान है उनका जीत है, जो युवा बेरोजगार है उनका जीत है, जो महिलाएं हमारे देश में परेशान है उनकी जीत है, कि जो मोदी सरकार से बीजेपी सरकार से जो परेशान हो गए थे, आखिरी जनमत कांग्रेस के फेवर में आया और 3 राज्य में स्पष्ट बहुमत हमारे राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस को दिया गया। इसीलिए मैं जो राज्य में जो कैंडिडेट चुन के आए उनका और हमारे जो जनता है जिन्होंने कांग्रेस को जीत के लिया है उनको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। कहीं ना कहीं बीजेपी की वजह से जो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी वो प्रॉब्लम अभी दूर हो जाएगी क्या? राहुल जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ करेंगे, तो 100% 10 दिन में राहुल जी किसानों का कर्ज माफ करेंगे और आने वाले समय में रोजगार की अच्छी उपलब्धि मिलेंगी बेरोजगारों को। किसानों का कर्ज तो माफ होने ही वाला है और साथ में जो स्थानिक मुद्दे है वो मुद्दे पर भी ध्यान देकर राहुल जी इस विषय को अपने परे से और वो जो बोलते हैं वो करते हैं। राहुल जी आज के दिन ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे और आज उनके लिए ये तोहफा है कि 3 राज्य में स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को मिला राहुल जी के नेतृत्व में, तो हमारे सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत अभिनंदन कांग्रेस जी। इतनी बड़ी विजय हासिल की है उसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? 3 राज्यों में रोजगार और कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला, इसका पूरा श्रेय माननीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी इनको देते हैं। देश में मोदी जी ने जो आपस में जातिवाद के नाम पर लड़ने का जो काम किया, किसानों को उनका हक नहीं दिलाया, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिलाया, इसके विरोध में आज जनता ने उनको सबक सिखा दिया है और आने वाला समय ये कांग्रेस के साथ रहेगा। कांग्रेस का हमेशा नारा रहा है सबका साथ सबका विकास, इसी तरह से कांग्रेस आगे देश के लिए काम करेगी और आने वाले जो चुनाव है बाकी राज्यों में है उनमें भी जनता उनको उनकी जगह दिखाएगी, ये पूरा पूरा यहाँ से तय होता है। और ये जो तोहफा दिया है 3 राज्यों में जीत हासिल करके, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं भी राहुल जी को और पूरे कांग्रेस प्रेमियों को शुभेच्छा देता हूँ कि ऐसी ही 2019 में हम लोकसभा में भी जीत के आएंगे। राहुल गांधी बनेंगे, ये दृढ़ निश्चय हमारा है और ये होने वाला है। मोदी जी जा रहे हैं और राहुल जी आ रहे हैं। चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। हमारे साथ जयसवाल सर है, हम इनसे भी जानते हैं कि इस पर इनकी प्रतिक्रिया क्या है। सर, अगर 2019 में कांग्रेस जीत कर आई तो उनके आगे की रणनीति क्या होगी? 2019 में अगर कांग्रेस जीत के आई तो ये जो अच्छे दिन आने वाले हैं, ये जो जुमला है तब साबित होगा कि अच्छे दिन आने वाले हैं। बेरोजगारों को, युवाओं को और किसानों को, और आज तक भी आपने देखे होंगे कि कांग्रेस के शासन में जितने ये बीजेपी के शासन में किसान, बेरोजगार, इनकी अर्थनीति से इंडस्ट्री खत्म हो गई है, बेरोजगारी बढ़ रही है, ये कांग्रेस के शासन में अभी कभी ऐसा नहीं था। तभी भारतीय जनता ने कांग्रेस को 60 साल तक साथ दिया और ये जो 5 साल सिर्फ इनको दिए, ये 5 साल में बीजेपी ने बता दिया कि हम सिर्फ लोकशाही नहीं, हम ठोकशाही में विश्वास रखते हैं और जनता के विरोधी ही हम काम करेंगे और जनता को हम परेशान करने का इन्होंने एकमेव कार्य किया। कोई ऐसा व्यापारी नहीं है, कोई ऐसा किसान नहीं है कि ये सरकार से खुश है। ये सिर्फ 5 साल में ही ये रिजल्ट बीजेपी को आ गया है
कि सत्ता संभालना बच्चों का खेल नहीं है, सत्ता संभालेंगी तो सिर्फ कांग्रेस ही संभालेंगी और कांग्रेस के पास में ये अनुभव है, ये पहले बीजेपी ने सीखना चाहिए और उसके बाद में ही सत्ता संभालने के सपने देखना चाहिए। कहीं ना कहीं सर ने कहा है कि सत्ता जो संभालना है वो जो है वो बच्चों का खेल नहीं है। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए स्टार एफएक्स में स्टार बाबा।